हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है अटल पेंशन योजना के बारे में बात करने वाला हूं। इस पेंशन योजना के तहत में कितना बेनिफिट हो सकता है, कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं, क्या अमाउंट रहेगा और किस तरीके से हमें पेंशन मिलेगी और कितने अमाउंट की पेंशन मिलेगी, सभी बातों को विस्तार से डिस्कस करेंगे इस वीडियो को। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखना है ताकि अटल पेंशन योजना से रिलेटेड जितने भी डाउट्स, जितने भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है वो सभी के सभी क्लियर हो जाए। बस शुरू से लेकर के आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे या स्मार्टफोन पे आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं अटल पेंशन योजना किस तरीके से काम करती है। तो जिस तरीके से दोस्तों आपको पता है कि अटल पेंशन योजना, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ये मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की गई या लागू की गई एक योजना है जो कि अगर बात करें तो असंगठित क्षेत्र, इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो चार सेक्टर्स के अंदर हमने अपनी इकोनॉमी को डिसाइड किया गया। अगर मैं बात करता हूं पहला जो इकोनॉमी है अपनी, इकोनॉमी को हमने कितने सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया, एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर और चार सेक्टर के अंदर डिवाइड किया। फिर किसी और दिन इसके बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का चैप्टर है ये, ठीक है, तो इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपसे अटल पेंशन योजना के बारे में बात कर रहा हूं। तो असंगठित क्षेत्र के अंदर काम कर रहे सभी वर्कर्स इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या है कि जिनकी ना तो सैलरी फिक्स है और ना ही तो उनके वेजेस जो होते हैं, जो डेली वेजेस है वो फिक्स नहीं होते उनके, और ना ही तो उनका काम फिक्स होता है, वो कभी चिनाई कर रहे होते हैं, कभी कुछ काम कर रहे होते हैं, कभी कुछ और काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने, ठीक है, वो मैक्सिमम जो आते हैं, देखिए तो इस सेक्टर में भी और इस सेक्टर के अंदर भी है, कुछ एक ऐसे भी है, कुछ एक ऐसे भी है। इन सभी सेक्टर्स के अंदर जो असंगठित क्षेत्र है उन सभी लोगों को यहाँ पे अटल पेंशन योजना का लाभ मिल सकता है। किस तरीके से मिलेगा वो तो हम आगे बात करेंगे, पहले आप ये समझिए कि अटल पेंशन योजना किस तरीके से काम करती है। तो अटल पेंशन योजना के अंदर कोई भी एक व्यक्ति, ठीक है, जिसकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में है, ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, ये मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, घनश्याम कोई भी हो सकते हैं, इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल से 40 साल के बीच में, ठीक है, और ये असंगठित क्षेत्र के अंदर आने चाहिए। अगर ये असंगठित क्षेत्र के अंदर आते हैं तो ये अटल पेंशन योजना को बहुत ही आसानी से अप्लाई कर पाएंगे और यहां से बेनिफिट ले पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, ठीक है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इंडियन, ठीक है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है वो इस पॉलिसी को ले सकता है, ठीक है, कोई भी एक इंडियन होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है, असंगठित क्षेत्र में काम करते हुए होने चाहिए। आप इसको असंगठित क्षेत्र का मतलब मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, आपके पास कोई सैलरी फिक्स तो नहीं है आपकी, हो सकता है कि आज आपने 200 रुपए कमाए, अगले दिन आपने 120 रुपए कमाए, तो आपकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आप एक दिहाड़ी मजदूर हैं, अभी आपने क्या नाम है बोझ उठाने के आपको जॉब मिली, एक दिन के लिए, दो दिन, तीन दिन, चार दिन के लिए काम खत्म हुआ, उसके बाद आप कुछ और काम कर सकते हैं, तो ये असंगठित क्षेत्र में आते हैं ये सारे के सारे लोग, जिनका ना तो काम फिक्स होता है ना तो जिनकी सैलरी फिक्स होती है वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक बैंक मैनेजर की, तो बैंक मैनेजर क्या असंगठित क्षेत्र के अंदर आएगा, नहीं, उसकी सैलरी भी फिक्स है, काम के घंटे भी फिक्स है, उनको काम भी फिक्स करके बताया गया कि आपका काम ये है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई क्लर्क बैठा हुआ है, उसका काम का घंटा भी फिक्स है, सैलरी भी फिक्स है उसकी, तो वो असंगठित क्षेत्र के अंदर आए, नहीं, वो असंगठित क्षेत्र के अंदर नहीं आए। तो अब आप समझ गए ना असंगठित क्षेत्र का मतलब क्या है, जिनका ना तो काम फिक्स होता है ना तो जिनके डेली वेजेस जो होते हैं फिक्स नहीं होते, ऐसे लोग इस वाली पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पेंशन लेने की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले 18 से 40 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए, ठीक है, आपके पास खुद का केवाईसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट का मतलब होता है नो योर कस्टमर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ हो गया आपका, राशन कार्ड हो गया, इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक पासबुक वगैरह जो होती है वो सारे के सारे नो योर कस्टमर्स के अंदर आते हैं, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं, तो ये तो हर किसी के पास ही होता है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन, देखिए आपको ये पता चला कि
क्या है योजना, ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो चीज आपको पता चल गई, किस तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए आप, क्या केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपका होता है। केवाईसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड आपका हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, ठीक है, राशन कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक आपके पास होगी, बैंक पासबुक, ठीक है, इस तरीके के जो होते हैं बैंक पासबुक वगैरह, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होता है। साथ के साथ में क्या चाहिए होता है, दो पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए होंगी, और साथ के साथ में आपको चाहिए होगा भैया एक फोन नंबर जो कि इन सभी चीजों के साथ में लिंक होगा, तभी अच्छे तरीके से आपको बेनिफिट मिल पाएगा। हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कि आपको पता चल जाएगा अटल पेंशन योजना के अंदर ये बदलाव हुआ है। ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से पता चलेंगी, आपके फोन नंबर से पता चलेंगी। तो अगर देखिए बहुत सारे लोगों को पता है कि फोन नंबर अगर आधार कार्ड से लिंक ना हो, पैन कार्ड से लिंक ना हो, राशन कार्ड से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। देखिए बैंक में भी अगर आपका फोन नंबर अगर लिंक नहीं है तो कुछ भी एक्टिविटी होती रहेगी आपके अकाउंट के अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपका फोन नंबर पता होना चाहिए, लिंक होना चाहिए इन सभी चीजों से, ताकि अटल पेंशन योजना के अंदर हो रहे सभी बदलावों के बारे में कम से कम आपको पता चल सके। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है भैया, ठीक है, कि पेंशन जो होती है आपकी, ठीक है, वो गारंटीड पेंशन आपको क्यों मिलती है। देखिए अगला पॉइंट है गारंटीड पेंशन, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप 40 साल की एज है आपकी, 40 ईयर की एज है, आपने 20 साल पेमेंट करी, ठीक है, 20 साल के हिसाब से आपने पेमेंट करी, अब 40 और 20 टोटल हो गए 60 साल, और जैसे ही 60 साल आपके हो जाएंगे आपको एक मुश्त यानी कि कुछ पैसा नहीं मिलेगा। इसके अंदर क्या होगा, कोई मैच्योरिटी आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि आपने पैसा भरा तो आप ये सोचे कि मेरे को कुछ मैच्योरिटी मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो मैच्योरिटी आपको इसके अंदर नहीं मिलती, बस इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा, पेंशन आपको दी जाती है, पेंशन दी जाती है इसके अंदर आपको। अब वो पेंशन होगी कितनी, वो पेंशन आपकी 1000 हो सकती है, वो 2000 हो सकती है, वो 3000 हो सकती है आपकी पेंशन, वो 4000 हो सकती है, वो 5000 हो सकती है, ठीक है, इन में से कोई भी एक पेंशन आप चूज कर सकते हैं। अगर आप 1000 के लिए जाएंगे तो प्रीमियम थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, अगर आप 5000 के लिए जाएंगे तो प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कितना प्रीमियम कितने के लिए देना होगा, और यहां पे मैं आपको बता देता हूं ये सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली सबसे अच्छी योजना है, जिसके अंदर आपको पेंशन तो मिलती मिलती है, साथ के साथ में डेट बेनिफिट भी आपको मिल जाता है इसके अंदर। डेट बेनिफिट किस तरीके से आपको मिलेगा वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 कोई सा भी अमाउंट आप चूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैच्योरिटी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, 40 साल के आप हैं, 40 या फिर आप 18 साल के भी हो सकते हैं, 18 इयर्स के भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। कितना आपको चाहिए, अमाउंट कितना चाहिए, 5000 चाहिए तो आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, और किस तरीके से लाइफ टाइम तक, जब तक लाइफ टाइम तक के लिए, जब तक इनकी डेथ नहीं हो जाती तब तक इनका पेंशन का पैसा रुकेगा नहीं। हर महीने जो भी फिक्स अमाउंट है, 1000, 20000, 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 में से कोई सा भी अमाउंट हर समय हर महीने आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाता रहेगा। अगले पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहता है अगला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पेंशन अमाउंट जो रहेगा, पेंशन अमाउंट मैंने डिस्कस करा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, आप कोई सा भी अमाउंट चूज कर सकते हैं। उसके लिए जितना भी अमाउंट आपको चाहिए, मान लीजिए 1000 चाहिए तो थोड़ा सा कम प्रीमियम देना पड़ेगा, अगर आपको 5000 रुपए महीने की पेंशन चाहिए तो थोड़ा सा प्रीमियम हाई देना पड़ेगा आपको। ये चीज अभी मैं स्लाइड में दिखाऊंगा आपको, ठीक है, किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि डेथ बेनिफिट। मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए मिस्टर राम ने ये पॉलिसी ली है, ठीक है, अटल पेंशन योजना लिए, इन्होंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने अपनी वाइफ को नॉमिनी बना दिया, और मीन वाइल क्या होता है कि मिस्टर राम की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे डेथ हो जाती है तो यहाँ पे इनकी जो नॉमिनी है इनको एक मुश्त पैसा भी मिलेगा। एक मुश्त पैसे का मतलब क्या है, इकट्ठा पैसा भी मिलेगा। राम की अगर डेथ हो जाती है तो इनकी वाइफ को एक मुश्त पैसा मिलेगा, वो कितना होगा, 1,70,000 रुपए से, ठीक है, 8,50,000 रुपए तक के बीच में कोई सी भी धनराशि इनको एकमुश्त दे दी जाएगी, एकमुश्त दे दी जाएगी, ठीक है। और अगर ये चाहें तो ये इनके नाम पे जो पेंशन आ रही थी वो पेंशन इन अपने नाम पे भी ट्रांसफर करा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज आप समझिए, तो डेथ बेनिफिट आपको समझ आया। 1,70,000 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर प्रीमियम कम होगा तो 1,70,000, अगर प्रीमियम ज्यादा होगा तो 8,50,000 रुपए तक।
दोस्तों देखिए मैं आपको लेकर के आ गया हूँ एक स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एज वाइज आपको कितना पैसा देना पड़ेगा अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की, या 3 की, या 4 की, या 5,000 रुपये की पेमेंट अगर आप लेना चाह रहे हैं, पेंशन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कितना पैसा आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी एज, आपकी अभी 20 साल एज है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, और 5,000 रुपये की पेमेंट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मंथली, अगर जब पेमेंट आप करना चाहते हैं तो मंथली जो पेमेंट आप करेंगे वो देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा 248 रुपये की करेंगे, और अगर आप लेना चाहते हैं इसको क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जो आपको नज़र आ रही है 739 रुपये की, और अगर आप ईयरली करना चाहते हैं, ठीक है, हाफ ईयरली करना चाहते हैं, माफ कीजिएगा, हाफ ईयरली में तो आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी 1,464 रुपये की। इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं अगर आपकी एज कितनी है, अगर आपकी एज है 20 साल, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपकी जो एज है, मान लीजिए आपकी एज जो अभी 31 साल की है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एज का क्राइटेरिया वो 31 साल का है, और 5,000 रुपये की पेमेंट आपको चाहिए हर महीने, पर मंथ आपको जो पेंशन चाहिए 5,000 रुपये की चाहिए, तो मंथली आपका जो पेमेंट होगा 630 रुपये की होगी। अगर आप इसको क्वार्टरली करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,868 रुपये की, 1,868 रुपये की होगी, और यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं हाफ ईयरली तो 3,718 रुपये की पेमेंट आपको करनी होगी। इसके अंदर आप यहाँ पे ग्राफ के अंदर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। चलिए इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, और मैक्सिमाइज पेमेंट यानी कि मान लीजिए आपकी उम्र नियर बाई 38 साल के पास है, तो 38 साल के लिए अगर आप 5,000 की पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका जो अमाउंट रहेगा वो कुछ इस तरीके से अमाउंट रहेगा आपका। अगर आप मंथली पेमेंट करना चाहते हैं तो 1,100, ठीक है, 96 रुपये की पेमेंट आपको करनी होगी, और इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं कि क्वार्टरली अगर मैं पेमेंट करूं तो क्वार्टरली के लिए जो पेमेंट आपको करनी होगी 3,564 रुपये की, और हाफ ईयरली करना चाहें तो हाफ ईयरली कर सकते हैं 7,058 रुपये की पेमेंट आप कर सकते हैं 5,000 रुपये की पेमेंट को पाने के लिए। इसी कैलकुलेटर का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां से जाकर के अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, जय हिंद।